हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से होम डेकोरेशन के लिए प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट। हमारे पास ये वॉलपेपर के रोल से निकला हुआ एक गत्ते का पाइप जैसा बचा हुआ है। इसे हम तीन साइज में, अलग अलग साइजों में कट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट 9 इंच का लिया है, फिर 12 इंच का, फिर 14 इंच का। आपके पास जो भी साइज़ अवेलेबल है अपने हिसाब से साइज़ करके उसे कट कर लीजिए। आप इसे पाइप से भी बना सकते हैं, हमारे पास ये गत्ते का है, हम इससे बना रहे हैं। नीचे के बेस के लिए हम गत्ते पे इस तरह से इसको नाप करके सर्कल कट कर लेंगे। तीनों पॉट के हिसाब से हम 3 सर्कल कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम ब्राउन टेप से अच्छे से इस सर्कल को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे नीचे रहेगा तो टेप से कवर करने से इसमें मॉइस्चर नहीं लगेगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से अच्छे से हम इसको ब्राउन टेप से कवर कर देंगे दोनों साइड से। इस तरह से हम 3 सर्कल रेडी कर लेंगे। ग्लू गन की हेल्प से इन सर्कल को हम एक साइड पे इस तरह से लगा रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। आप फेविकोल से, टेप की हेल्प से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो। उसके बाद हम फेविकोल और वाटर का इस तरह से एक घोल रेडी किए हैं और वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर या फिर आपके पास जो भी पेपर हो, टिश्यू पेपर हो, नॉर्मल बच्चों की कॉपी के पेपर हो, उसको कट करके इस तरह से उस होल में डीप करके और इसको हमको चिपकाते जाना है, जिससे नीचे का बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि हमने ब्राउन टेप का यूज़ किया है तो उस पर कलर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको इसको लगाना चाहिए। इसके बाद कलर करने के लिए मैं हमारे पास ये वॉल कलर था, मैं उसी से कर रही हूँ। आप एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक कलर से भी कलर कर सकते हो और अपनी पसंद, अपनी चॉइस के कलर का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये वॉल कलर था एशियन पेंट का और मैं इसी से इसको कलर कर रही हूँ। कलर करने के लिए मैं स्पंज के टुकड़े का यूज़ की हूँ, ब्रश का नहीं। स्पंज के टुकड़े से कलर करने से ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं दिखते हैं और बहुत ईजली, बहुत अच्छे से ये कलर हो जाता है फिनिशिंग के साथ। बिगनर और बच्चे अगर इससे कलर करें तो बहुत ईजीली इसको कलर कर सकते हैं। अब मैंने लिया है ये सेरेमिक पाउडर। आप वॉल पुट्टी, सेरेमिक पाउडर और कोई भी ऐसा पाउडर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने 2 चम्मच फेविकोल डाला, एक्रेलिक कलर का यूज़ किया मैंने, अपनी पसंद अकॉर्डिंग कलर का यूज़ आप कर सकते हैं, और 1 चम्मच वाटर मिक्स करके हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। हमने 4 चम्मच जो है सेरेमिक पाउडर लिया है, 2 चम्मच फेविकोल लिया, 1 चम्मच वाटर लिया। आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं, आप जो भी आपको पसंद हो। हमको फेविकोल कम लग रहा था, थोड़ा पेस्ट ज़्यादा ही गाढ़ा था, तो हमने उसमें 1 चम्मच फेविकोल और मिक्स कर लिया और इस तरह से एक स्मूथ जो है पेस्ट बना के रेडी कर लिया। अब हम अपने घर में ही जो पेपर्स होते हैं, पॉलिथीन होते हैं, उससे कोन बना लिए हैं और उसमें हम इस पेस्ट को फील कर रहे हैं और हम ये सेरेमिक कोन रेडी कर लिए। कलरफुल सेरेमिक कोन हमने रेडी कर लिया। इसको हम थोड़ा मोटा कट करेंगे और हमने जो पॉट बनाया है वो ड्राई हो गया और ऊपर के साइड इस तरह से हम एक मोटा लाइनिंग करेंगे जिससे ये ढक जाए। ऊपर का हमारा थोड़ा कलरफुल, हमको जो कलर चाहिए वो मिल रहा है। अगर आपके कोन के जो वर्क किया है वो स्मूथ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हल्का सा पानी हाथ में टच करके इस तरह से उसे स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि हमको बहुत मोटा लाइन लेना है, इसलिए हमने उस पर कई बार कोन चलाए तो वो बहुत अलग अलग दिख रहा था सारे कोन का लाइनिंग। तो आप हल्का सा पानी टच करके उसको स्मूथ एक जैसा बना सकते हैं। बच्चे और बिगनर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप कोन नहीं बनाना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, मार्केट में जो 3D लाइनर कोन आता है उसका भी यूज़ आप इसकी जगह कर सकते हैं। बहुत इजीली अलग अलग कलर के 3D लाइनर कोन मिलते हैं, उसका यूज़ करके भी आप इसी तरह से पॉट को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, हल्का सा पानी हाथ में लगा के मैं इस तरह से अपने कोन वर्क को स्मूथ कर ले रही हूँ और चिकना कर ले रही हूँ।
अब हमने अलग अलग साइज के ये कांच लिए हैं और उसी पेस्ट को लगा के मैं इस तरह से कांच को लगा रही हूँ। बहुत इजीली आप इसमें कांच इस तरह से लगा सकते हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा पेस्ट लेना है और उस पर कांच को रखना है और कोशिश कीजिए कि एक बराबर मिडिल में से कांच को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि कांच के सभी साइड में इजीली जो आपका पेस्ट है वो आ जाएगा और आउटलाइन बन जाएगा। ऊपर मैं ट्रायंगल वाले कांच लगा रही हूँ। ट्रायंगल वाले कांच लगाने के लिए पहले मैं ट्रायंगल शेप में ही थोड़ा सा पेस्ट से बना ले रही हूँ और उसी के ऊपर कांच रख के मैं बीच में से प्रेस कर रही हूँ। आप जिस साइज जो भी कांच लगाइए उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगाइए और उसको लगाने के बाद कांच को बीच में से प्रेस कीजिए, जिससे सभी साइड में हमारा एक आउटलाइन पेस्ट का बन जाए। इस तरह से बहुत इजीली और फिनिशिंग के साथ आप अपना वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तीनों पॉट को रेडी कर लूँगी क्योंकि मुझे तीनों पॉट एक जैसे रेडी करने हैं। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये हमारा वर्क हो रहा है और कितने फिनिशिंग के साथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे तो इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो 3D कोन लाइनर है उसका यूज़ करके भी इस तरह से आप कांच का वर्क कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें उनको लाइन को परफेक्ट बनाना वो सब करने की कोई दिक्कत नहीं है। खाली हमको वो जो पेस्ट है हमारा 3D कोन लाइनर का उसको लगाना है, उसके ऊपर कांच को रखना है और बीच में से धीरे से हमको पेस्ट प्रेस करना है, जिससे जो पेस्ट है कांच के सभी साइड इजीली से आ जाता है और पेस्ट कांच अच्छे से पेस्ट भी हो जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपने तीनों पॉट रेडी कर लिए हैं, जो देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कितने कम मेहनत में, कितने इजी तरीके से, वेस्ट से वेस्ट मटेरियल से हमारा ये पॉट बनके रेडी हो गया, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। कांच की आप देख सकते हैं जो हमने कांच लगाया है वो नीचे उसका रिफ्लेक्शन कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह से वेस्ट मटेरियल से भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।